कभी कभी अब ये सदन है, एक प्रकार से राज्यों का महात्मा है, हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया, फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है वो भली भांति समझता है, उसको जी करके आया है, और इसलिए हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। आओ हम पर्दा करें, हम आगे बढ़े, हम सहयोग करें, हम आगे बढ़े, उस दिशा में हम चले हैं। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं, जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी, वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए, केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे, कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गर्व है। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। यहां पर पीछे बैठे हैं इस सदन के वरिष्ठ सदस्य और जिनको मैं हमेशा एक आदरणीय नेता मानता हूं, श्रीमान शरद पवार जी। 1980 में शरद पवार जी का आयु 35-40 साल की थी, एक नौजवान मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए निकला था, उनकी सरकार को भी गिरा दिया गया, और आज वो वहां है, आज वो वहां है। हर क्षेत्रीय नेता को उन्होंने परेशान किया, और एनटीआर के साथ क्या किया, यहां कुछ लोग आज कपड़े बदले होंगे, नाम बदला होगा, ज्योतिषियों की सूचना के अनुसार नाम बदला होगा, लेकिन कभी वो भी उनके साथ थे, वो एनटीआर की सरकार को, और वो तबीयत के लिए अमेरिका गए थे, अपने हेल्थ के लिए गए थे, आपने एनटीआर की सरकार को गिराने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। We'll be right back.